लियो, हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपके रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं और साथ ही साथ कुछ चार्म्स भी हैं, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं। सिंह राशि लियो साइन के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लियो, मेमोरीज, यादें, ये शब्द मुझे बहुत सुन रहा है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, यू नो, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, नॉस्टैल्जिक रह सकता है आपका वीक। वो सिक्स ऑफ कप्स वाली ऊर्जा, जब हम पुरानी यादों को, वो टॉक्सिक मेमोरीज नहीं है ये कि वो दर्द वाली, ना 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 ना, ये वो यादें हैं जिन्हें याद करके हमें, हम जब अकेले बैठे हों, हमारी आंखें नम हो जाएं, यू नो, वो कुछ अच्छी, वो कुछ खूबसूरत यादें, और हम सोचते हैं कि वो वक्त भी एक वक्त था लेकिन वो गुजर गया, यू नो, वैसा नॉस्टैल्जिक थोड़ी सी फीलिंग रह सकती है इस हफ्ते की। तो चलिए देखते हैं। लियो, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम, थैंक यू, एंड शून्य, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। सी, यहाँ पर भी बैठकर वो चिंतन में है, जैसे कि वो ध्यान लगा रही है अपनी, वो सोच रही है कुछ जैसे, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जो कि पुराना, कुछ खूबसूरत याद आपकी, जो पास्ट में आपने किसी के साथ संजोई थी, या कोई ऐसी याद जिसमें आप बहुत, आपके मन को खुशी मिली हो, तो वो इस हफ्ते ना वैसी ही कोई एहसास जो है वो दोबारा से ताज़े हो सकते हैं आपके। टू ऑफ वॉन्ड्स डिसीजंस का भी कार्ड होता है, ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया हो, किसी कारणवश आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो जो कि आपका दिमाग, आपका मन तो नहीं चाहता था कि हाँ ये करना है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपको वो लेना पड़ा डिसीजन। उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने, या कोई ऐसे शब्द कहे तो क्यों कहे। थोड़ी सी ना ये वो आंखें नम कर देने वाली एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। आप में से कुछ लोग जैसे काफ़ी समय से घर में जैसे बंद हैं, जैसे घर में ही एक ही तरह के रूटीन में हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ नया करें, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है बाय द वे। और उसके लिए ना आपको जैसे दिशा नहीं मिल रही, आपके मन में तो है कि हाँ मुझे कुछ नया करना है, अपने जीवन को सुधारना है, लेकिन वो जो मार्ग होता है वो आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ी गाइडेंस है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कौन से मार्ग पर चलें आने वाले समय में, तो आपको इस घर से, इस कमरे से बाहर निकलना होगा, माने कुदरत के साथ जुड़ना होगा। ये अभी कमरे में बंद है इसीलिए वो चिंतन में है। अगर ये इस घर से, इस कमरे से बाहर निकल जाए, खुले आसमान की ऊर्जा, ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाट, चहक चाहट, आई डोंट नो, मैं शायद गलत बोल रही हूँ गाइस, लेकिन आप समझ गए राइट, मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर वो सभी ऊर्जा आपको मिलेगी, तब आपका जो माइंड एक ही ऊर्जा में स्टक है, उसे एक नई उमंग मिल सकती है, ये ना कुछ नई फ्रेश एनर्जी आती है, तो फ्रेश थॉट्स भी उत्पन्न होते हैं हमारे मन में। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को कुदरत के साथ, नेचर में बाहर जाने की भी ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग एक ही पहलू को देख रहे हो, एक ही स्टोरी को। यहाँ पर दो वॉन्ड्स हैं, लेकिन उसने एक वॉन्ड को थामा हुआ है जो उसके हाथ में है, लेकिन एक वॉन्ड अभी भी उसके पीठ के पीछे है, माने कि अभी आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी सलाह दूंगी कि अगर इस हफ्ते कोई निर्णय, कोई फैसला लेना है आपको मेरी जान, तो अभी मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पूरी पिक्चर नहीं पता है। अभी आपको कुछ फैक्ट्स पता हैं जो कि सही भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे फैक्ट्स को जाने बिना कोई भी शब्द, कोई भी निर्णय इस हफ्ते आपको नहीं लेना है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, सी, यहां पर भी वो कुछ ना कुछ सोच रही है,
और यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ सोच रही है। मैंने आपकी शफल करने से पहले ही ये मुझे ऊर्जा मिल गई थी कि लियो इस हफ्ते वो नॉस्टैल्जिक कुछ ना कुछ जैसे सोच सकते हैं जो अतीत में हुआ है, वो जैसे कहते हैं ना अतीत का इत्र, उसकी उसकी सुगंध जो है वो इस हफ्ते आपके आसपास रहेगी। कप्स की ऊर्जा बोरियत की भी, यहाँ पर ये जो फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये बोरियत की भी ऊर्जा होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका रूटीन पूरी तरीके से ख़राब है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स कहता है कि रूटीन तो ठीक है लेकिन उसमें उत्साह नहीं है। माने आप चीज़ों को कर तो रहे हो लेकिन अब उसमें उत्साह नहीं बचा है, आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कि किसी आप में से कुछ लोगों को नया साथ भी चाहिए। ये बोरियत इस वजह से भी आती है क्योंकि आप अकेले में हैं, एकांत में हैं, अकेले काम कर रहे हैं और आप किसी पार्टनरशिप के भी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप का 3 कप्स एक साइड, 1 कप एक साइड, माने कि उसका हाथ जो है वो एस ऑफ कप्स को छू रहा है ना। ये एस ऑफ कप्स की ऊर्जा होगी क्योंकि 1 कप है। तो आप प्यार इश्क मोहब्बत के बारे में माने कि एक नया रिलेशनशिप भी चाहते हैं और उसके बारे में भी जैसे आप सोच रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है मेरी जान, फोर ऑफ कप्स में, माने कि जब हम चीज़ों को फोर्स करने लगते हैं कि हाँ मुझे रिलेशनशिप चाहिए, हालांकि जो सही तरीका है एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने का वो है सरेंडर। जब हम चीज़ों को पुश नहीं करते हैं, जब हम किसी नए शख्स के साथ बातचीत करने लगे तो उसको थोड़ी स्पेस देते हैं, ये नहीं कि 24 घंटे एक शख्स से बात हुई तो 24 घंटे उसको मैसेजेस करते रहो, नहीं, स्पेस दीजिए ताकि चीज़ों का आकार अपने आप उभर सके, उन्हें वक्त दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दूंगी मैं, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा इस हफ्ते बचिएगा, फोर्स नहीं करना चीज़ों को, चीज़ों की अपनी रफ्तार से ही उन्हें उभरने दीजिए, पनपने दीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपना जिस तरीके से आप उठते बैठते हैं, माने आपका बॉडी का जो पॉस्चर है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये जिस अंदाज में ये लड़की बैठी हुई है ना, इसके पूरी बॉडी में जॉइंट्स में दर्द शुरू हो सकता है। तो अगर आप ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, खास करके अगर अपने नेक का ध्यान रखिएगा, अगर आपको आदत है कि आप टेढ़ी नेक करके वो फ़ोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो उसमें नहीं करना। मुझे इसके पूरे पॉस्चर में दर्द नज़र आ रहा है, माने कि वो जो दर्द होता है ना, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपसे ये भी कह रही है कि इस हफ्ते मेक श्योर कि आप स्ट्रेचिंग करें और अपने नेक का खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे गेहूं के दाने भी नजर आ रहे हैं, ये जो खेत है मुझे गेहूं के दाने दिखा रहा है। तो अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर्स वगैरह मुझे वो नज़र दिखा रहे हैं, वो सारा अनहेल्दी फूड, तो गेहूं माने अनाज माने रोटी, तो आपको जैसे घर का खाना खाने की भी यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। आप में से कुछ लोगों को किताबें भी खरीदने की ज़रूरत है। ये लड़की जो अपना समय सोचने में व्यर्थ कर रही है, उसकी जगह अगर ये किताबें पढ़ें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें, कुछ नया सीखें, अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। समय व्यर्थ करने से अच्छा है उन्हें अच्छी ऊर्जा में लगाया जाए। तो आप में से कुछ लोगों को किताबें भी इस हफ्ते पढ़ने की ज़रूरत है या खरीदने की ज़रूरत है। आपको तोहफा भी मिल सकता है किताबों का इस हफ्ते। आपका नेक्स्ट कार्ड, वाओ मून, अभी रात है मेरी जान, अभी रात है, अभी दिन नहीं हुआ, तो जैसे इससे भी यही कि अभी डिसीजंस लेने का वक्त नहीं आया है, अभी रात है, अभी सोने का समय है, अभी आराम का समय है, अभी काम पर जाने का समय नहीं है। तो डेफिनेटली लियो इस हफ्ते कोई ना कोई जो अगर डिसीजन लेने का कोई ऐसा वातावरण बने, डिसीजन नहीं लेना मेरी जान, इस हफ्ते नहीं लेना, अभी थोड़ा सा चीज़ों को स्लो रखना है। अगर कोई आपको प्रपोज कर दे तो अभी उसके साथ रिलेशनशिप में जाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर कोई एक्स वापस आ रहा है तो उनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जाने की तैयारी मत कीजिएगा। अगर ट्विन फ्लेम के साथ आप दूरी में हैं, क्योंकि ये यिन एंड यांग की ऊर्जा है यहाँ पर, तो मेक श्योर कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भी स्पेस दीजिए। इनमें दूरी है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को साध रहे हैं, ये भी चंद्रमा की तरफ देख रहा है और ये भी,
माने कि ये डिवाइन है, तो माने अभी आप दोनों की जो दूरी है उसको क्लोज करने की कोशिश मत कीजिए, वो अपने आप हो जाओगे आप, जब सही समय आएगा तब अपने आप हो जाओगे, अभी खुद को साधने का समय है, ठीक है। अपनी सीक्रेट्स को भी इस हफ्ते दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा, ये सीक्रेट्स का भी कार्ड होता है। कब्स की ऊर्जा है यहाँ पर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और आप ही की तरफ फायर एनर्जी लियो सैजिटेरियस एरीज, एरीज की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है और मीन राशि की भी थोड़ी ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा है। तो इस हफ्ते आपको अपने सीक्रेट्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, कम पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिएगा, कम स्टेटस जो होते हैं उसको पोस्ट कीजिएगा ताकि थोड़ी कम जानकारी दूसरों को मिले। ये हफ्ता खुद पर रखना है आपको ध्यान, ठीक है। अब आपके जो चार्म्स है मेरी जान वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाओ देखा आपके फोकस में कितनी चीजें गई हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपके ये जो किनारे पर ना ये हथौड़ा, और मैंने जैसे ही हथौड़ा उठाया 11-11, तो आप में से कुछ लोगों को कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है मेरी जान। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी क्यों कह रही हूँ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें ज़्यादा आपको सोचने के ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं करियर के मामले में, मैं कह रही हूँ ये कि हथौड़ा मारना है, माने कि वो अपॉर्चुनिटी मिली है, ज़्यादा सोचना नहीं हथौड़ा मार देना है। तो जैसे कोई ऐसी मुझे यहाँ पर क्योंकि 11-11 नज़र आए, तो ये आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि ये उनका भी नंबर होता है। तो आर्कएंजल माइकल भी इस हफ्ते आपको कोई ना कोई ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर है एंकर, ये देखिए, जो कि हमें कहता है कि अपनी रफ्तार को, अपनी दिशा को बदलने की जरूरत है। जैसे मुझे होम, यहाँ पर होम चार्म भी है, राइट, और सन चार्म भी है, फेरीज भी है, और ये सुच्चा मोती, कुछ ना कुछ आपको शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। अगर हम इन तीनों, इन सभी चार्म्स की ऊर्जा को मिलाएं, तो जैसे किसी को शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है, अपने वातावरण को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातचीत करने के अंदाज को, खाने पीने के अंदाज को, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, अपनी समझ के अनुसार ही इस मैसेज को सुनिएगा, शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। और ये चार्म के बारे में कि अपनी दिशा को बदलिए, एक ही दिशा में ऊर्जा लगी हुई है, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब आपको अपनी दिशा को बदलने की जरूरत है ताकि आपको कुछ बेहतर परिणाम मिल सके, ठीक है। सन चार्म जो है यहाँ पर, ये उजाले रोशनी के बारे में भी संकेत देता है, तो डेस्टिनी से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। मैंने पिछले ही जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो लाइफ पाथ, वो डेस्टिनी के बारे में ही थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका भी। होम यहाँ पर, जैसे अगेन गाइस, होम क्योंकि यहाँ पर ये फेरीज हैं, तो इससे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई संकेत देना चाहते हैं, खास करके आपके जो होम लाइफ है उसको लेकर। होम लाइफ क्या होता है, जिस जो हमारा जीने का अंदाज हो, जीने का ढंग हो, उसके बारे में। तो कोई ना कोई जो ये जो 5D से ये जितनी भी हमारे आपके स्पिरिचुअल थीम है, वो कुछ ना कुछ आपको संकेत दे रही है, लेकिन शायद आप उसे नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। उसका रीजन मैं बताती हूं, क्योंकि ये सन चार्म ना उल्टा था, ये सीधा नहीं था, तो रोशनी की कमी है, शायद आप अपने घर की खिड़कियों को नहीं खोल रहे हैं, वो लाइट जो है वो आपके भीतर नहीं आ पा रही, या फिर आप अपना अच्छे से बेड नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ है आपकी होम लाइफ को लेकर जिसे आपको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चार्म है जो कि कैटफिश, अगेन यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पूरी सूचना नहीं मिली है, ये शख्स आपको कोई और चेहरा दिखा रहा है। अगर आप किसी शख्स के साथ लव में डील कर रहे हो ना, तो ये शख्स मुखौटा पहने हुए, इसका असली चेहरा भी आपको नहीं पता, ये कैटफिश, माने कि दूसरों को जब हम फेक पिक्चर्स दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, हम अपने बारे में गलत जानकारी देते हैं कि हाँ मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो हो सकता है पे ऐसे किसी शख्स के साथ भी डील कर रहे हों। अभी इसके चेहरे पर विश्वास करने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी इसका असली चेहरा सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार फिश का भी है, जो कि मुझे अक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा लगती है, तो होप, अगर आपको इस शख्स से कोई उम्मीद है, क्योंकि ये चार्म ऐसे था, है ना, तो
तो हो सकता है कि अभी ये आपको, जैसे वो कहते हैं ना कि लारा लगाना, कि हाँ ये कह तो देगा कि हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन शायद वो चीज़ ना करे, तो आपके लिए बेहतर यही है कि अभी लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन एंजल्स हैं, मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूँगी कि कुदरत में, यू नो, वो नेचर के संपर्क में जाएँ, चिड़ियों की आवाज़ को सुने, दाना डालें, सैर करने जाएं, ताकि आप कुदरत के संपर्क में आ सके। कुदरत का ही एक 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 ऐसा माध्यम है जब हमारी स्पिरिट हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं, राइट। तो यहाँ पर गुड लक की भी ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर ये कछुआ है, मेरे लिए ये हमेशा गुड लक, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़िए, जीत आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई भी है, ब्लू कलर के, ये सेक्रल चक्रा के बारे में भी संकेत देती है कि अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस है तो उसे ठीक कीजिए। इंट्यूशन को भी, पानी ज़्यादा पीजिए, उसके बारे में भी हमें ये संकेत देती है। अब आपके जो लेटर्स हैं मेरी जान, वो भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। और ना अपने तरफ से कमेंट सेक्शन में इन लेटर्स से कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश किया कीजिए, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश किया कीजिए। आप ही एक दूसरे को गाइडेंस दे सकते हैं, इस बात पर विश्वास कीजिए, ठीक है। तो वर्ड्स बनाने की कोशिश किया कीजिए। चलिए देखते हैं। आर क्यू वी ओ K, W, and Y. Let's see. ओ, मैंने इसके बारे में तो बात ही नहीं की। मेरे ख्याल से ये जैसे सीख कबाब की मुझे ऊर्जा मिलती है इससे, जैसे कोई पार्टी अटेंड कर सके आप, या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, या फैमिली के साथ भी गेट टुगेदर, कोई ना कोई जैसे सीख कबाब, वो पार्टी वाली फीलिंग मुझे इससे आती है। मैं थोड़ी सी और आपके लिए लेटर्स लेना चाहूंगी। तो W अगेन, कुछ लोगों के लिए ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, ये विन विन, क्योंकि ये दो बार W आया है, तो 50-50 विन विन सिचुएशन। यहां पर है U, G, दोबारा से V, वरदान। मुझे वरदान शब्द सुना, माय गॉड, तो हो सकता है आपके एंजल्स आपको कोई वरदान देना चाहते हैं। सी एच एंड के, तो ये कुछ लेटर्स हैं लियो साइन के लिए, इनमें से कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मैं इस रीडिंग को अब यहीं खत्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।